ఉషత్ కనగురి రాజ కసాని ఉష్తి అపద్ ఉష్త చెప్పేష్ అంచు గబ్బు అగయతా జనకాని జని ఆదమాని హవాలే పదమార్ సరహాల దింబర చూకే లడ్కియో కే ముతలిక్ బాత్ హో రహీ ఔర్ అగర్ మే బిల్కుల్ కహనా చాహుంగి ఇస్ స్టోరీ కో అగర్ వో దేఖ్ భీ రహీ హోంగి వ్యూవర్ యాజ్ అ వ్యూవర్ తో ఐ యామ్ రియలీ వెరీ సారీ మే ఆప్కా నామ్ భీ లూంగి मैम रक्षिंदा एक हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, वो एक टीचर हैं बेसिकली और अब तो माशाल्लाह वो लेक्चरार बन चुकी हैं कॉलेज की। तो मेरी उनसे मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी, किसी काम के सिलसिले में मैं गई थी। तो उनसे मुलाकात के वक्त शी इज़ नॉट मैरिड, ओके ओके, तो मैंने उनसे ऐसा ही पूछ लिया, मैंने कहा आपने शादी क्यों नहीं की, क्या वजूहत हो सकती है, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि उनको मर्दों से जो है ना वो एलर्जी है, व्हाट मैंने सुना था उनके मुतल्लिक कि वो मर्दों से खार खाती हैं। तो मैंने वैसे ही उनसे पूछ लिया मजाक के तौर पे, मैंने कहा मैम एक बात पूछूं, आपने शादी क्यों नहीं की। कहती कायनात बेटा इस बात को छोड़ दो, आप कोई और बात करो। मैंने कहा नहीं मैं जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा जब आप जानना चाहती हैं तो चले मैं आपको बताती हूँ। कहती मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने कहा चले आप ठीक है सुना दें। मैंने कहा कोई बड़ी स्टोरी तो नहीं। कहती नहीं नहीं आप सुनो, मैं इन शॉर्ट सुना रही हूँ। मैंने कहा ठीक है आप सुनाएं। तो कहती एक औरत थी, उनको जो है ना वो पहली जो औलाद हुई वो बेटी हुई, ठीक है, और उन्होंने पता है क्या किया उस बेटी के साथ। उनका क्या किया, कहा उस बेटी को अपने जो वाइफ थी उनसे दूर रखा, कहा क्यों बेटी हुई है, पहले तो कई सवाल किए क्यों बेटी हुई है, किस वजह से बेटी हुई है। उन्होंने कहा अब ये मेरी मर्जी नहीं है, ये खुदा ताला की मर्जी है। दूसरे साल फिर बेटी हुई, कहा अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए, दो बेटियाँ काफ़ी हैं। तीसरे साल फिर एक बेटी हुई, फिर इन्होंने कहा कि भाई अब तीसरी जो बेटी थी उसको उठाकर इन्होंने क्या किया कि बाहर घर के बाहर छोड़ दिया, नौ मौलूद बच्चे को उसने बाहर छोड़ दिया, बाप ने उठा के बाहर छोड़ दिया, और जो दो बेटियाँ रो रही थी उनको भी माँ के करीब नहीं आने दिया। फिर जो चौथे साल क्या हुआ, बेटा पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन उस बेटे की पैदाइश पे जो पहली बेटी थी उसका इंतकाल हो गया। फिर दूसरे साल दूसरा बेटा हुआ, जो लेकिन दूसरी बेटी थी उसका इंतकाल हो गया। मैंने कहा ये इत्तफाक कैसा, कहा ये हकीकत है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहा तीसरे साल फिर एक बेटा हुआ, ठीक है। मैंने कहा कहीं तीसरी बेटी, कहा नहीं नहीं तीसरी बेटी नहीं, कहा वो तीनों बेटे उनकी परवरिश की गई, ठीक है, तीसरे लेकिन सॉरी मैं भूल गई, तीसरी बेटी जब पैदा हुई, तीसरी बेटी की पैदाइश पर जो माँ थी, तीसरे बेटे की पैदाइश पर वो जो माँ थी उसका इंतकाल हो गया, और जो ये तीन बेटे और ब्रैगी सिर्फ एक बेटी जो जिंदा थी, उन तीन बेटों की जो परवरिश थी उसी बहन ने की, मतलब अपने छोटे भाइयों की जो परवरिश उसी बहन ने की, और वो बड़े हुए, उनकी शादी करवाई, ठीक है, वो सेटल हो गए अपनी अपनी लाइफ में, वो रक्षिंदा लड़की जो रह गई थी, वो जो बेटी रह गई थी, वो कहती है वो मैं हूँ, और जो मेरा बाप था जिसने जो है ना वो मेरी दो बहनों के साथ ऐसा सलूक किया, एक तरह से ये खुदा ताला की तरफ से हुआ, लेकिन मैं उसे कसूरवार क्यों कह रही हूँ अपने बाप को, क्योंकि मेरे बाप ने खुद इसका एतराफ़ किया कि मैं मतलब लड़कियों से अपनी बेटियों से खार खाता था, और उनकी पैदाइश पे मैंने खुदा ताला से भी नाराज़गी का इजहार किया और अपनी बीवी पर भी मारपीट की, यानी तुम्हारी माँ पर भी मारपीट की कि क्यों लड़की पैदा हुई, और बिल आखिर आज मुझे संभाल कौन रहा है, कहा जब मेरा बाप बीमार था, ऑन बेड था, उनको इतनी तकलीफ थी कि वो उठ नहीं सकते थे, उनकी खिदमत के लिए सिर्फ मैं थी, मेरे तीनों भाई वो सेटल थे अपनी लाइफ में, और वो पलट के पीछे देखते भी नहीं थे कि बाप कैसा है, एक एक्सक्यूज होता है भाइयों के पास, और वो कहती है कि जब तक मेरा बाप जिंदा रहा तब तक मैं उसकी खिदमत में रही, और मैं वही बेटी हूँ रक्षिंदा जिसको जो है ना वो मैं सिर्फ एक अकेली दुनिया में रह गई हूँ, लिहाजा मुझे फील नहीं होता कि मुझे शादी करनी चाहिए। भाई जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कर सकता है, ठीक है, आपको मोरल सपोर्ट भी शायद कर ले, लेकिन वो जो फिजिकल एक सपोर्ट होती है ना माँ बाप, बीमार माँ बाप के लिए, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर एक वर्किंग वुमेन, उसको हमेशा एक रिग्रेट होता है कि जी मैं 12 घंटे घर से बाहर रही हूँ, 8 घंटे घर से बाहर रही हूँ, लेकिन जब वो वापस आती है शी जस्ट बिकम लाइक अ मेड, घर में आते ही वो मासी बन जाती है, शी स्टार्ट अपनी बीमार माँ का ख्याल रखना। मैम का मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, मैम आप अपने व्यूज शेयर करें। मैं रिसेंटली किताब की लॉन्चिंग थी औरत तुझे सलाम, तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन सेंस, दो शायद असरार बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन मिस पाकिस्तान काउंसिल ऑफ मीडिया वुमन की, तो मैं दूसरों ने तो सब इस तरह, मैंने कहा कि औरत होना बहुत मुश्किल काम है, अगर आप
मर्द हैं तो आप जाते हैं, आपको खाना तैयार मिलता है, आपको दूसरे दिन के कपड़े तैयार मिलते हैं, आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं, ट्यूशंस गए नहीं गए, जिन शादी कार्ड्स पे मिस्टर एंड मिसेस फला फला लिखा आता है, मिस्टर एंड मिसेस कायनात नहीं लिखा हुआ आता, मिस्टर एंड मिसेस फला मर्द का नाम लिखा आता है, वो रिश्ते वो औरत ने संभाले हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट मिलती है और आपको बुलाया जाता है। लेकिन औरत के लिए तो इक्वल एरबम सही नहीं है ना, औरत तो जाते ही मेड भी बन जाती है, उसी 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 जॉब के दरमियान बच्चे का ख्याल भी करना है, बच्चों का ख्याल भी करना है, उनकी स्टडीज़ भी देखनी है, और अगर खुदा ना खासा ऊपर नीचे हो जाए तो ये इल्ज़ाम भी सहना है कि वर्किंग वूमन है तो बच्चे तो यही होंगे, तो वो तो अपनी ज़ात पर ज़्यादा लगा रही होती है। और अगर वो औरत जो घर में बैठी है, जिसको स्टाफ प्लस सुनने के ताने मिलते हैं, सिर्फ एक दिन वो मर्द वो घर संभाल के देख ले, उस मेड से लेके जो किसी भी वक्त कोई कुछ भी ना कह के चली जाए, और आपको पता आएगा उसके घर फौदगी हो गई है और सारा काम आपने मैनेज करना है, और आप उस वक्त भी प्लान बनाती हैं कौन सा काम ड्रॉप करना है, बच्चे को भी लेने जाना है, ट्यूशंस भी भेजना है, आपको किसी की आदत ताजियत हर चीज़ औरत को देखना, जिससे मर्द बिल्कुल आज़ाद होता है। मर्द के ऊपर ये सारी ऑब्लिगेशन नहीं होती हैं कि बच्चा 10 मिनट भी लेट हो गया तो माँ को पता है कि 2:30 बजे आ जाता है, 3:15 हो रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आया। ये सारे मर्द तो वहाँ पे ऑफिस बैठ के ये बर्डन ले के आके तो वो इस तरह करता है। इसमें कोई शक नहीं है, कमाना बहुत मुश्किल काम है, बस हम खुद भी कमा रहे हैं, इसी से पैसे निकलवाना और निचोड़ लेता है आपको, बट एट द सेम टाइम अगर इसी औरत को हर काम के आप अलग अलग पैसे दे रहे होते, आपके पास जो इस्लाम में है औरत का वो काम जिसने अपने मायके में नहीं किया हुआ, और आप करें, हमारे यहाँ इस्लामी तालीमात की भी तो कमी है ना, दूध पिलाने तक के बच्चे का आप मर्द अब है बाउंड है कि पे करें। अगर वो अगर आपकी वाइफ है इस्लाम में कि अगर आपकी बीवी वो आपके बच्चे को दूध ना पिलाना चाहे तो हाँ, आप उसके लिए तो है ना वो आ रख सकते हैं, आप उसके लिए दूध पिलाने वाले ला सकते हैं और उसे पैसे दे सकते हैं। कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरी काफ़ी मैरिड फ्रेंड्स भी हैं, मैं खुद जब उनसे मिलती हूँ तो मैंने देखा है उनके बीच में ना एक कोई कंपटीशन चल रहा है सास बहू का। देखिए अगर आप एक हाउसवाइफ है ना तो फिर यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, फिर आपके पास बहुत सारा टाइम होता है कि आप चीज़ों को मैनेज करें। अब एक टैबू बन गया है कि घर औरत के लिए है, मर्द बाहर के लिए, ये एक बिल्कुल टैबू है इस्लाम में है। मुझे शायद इतनी नॉलेज ना हो लेकिन इतना मैंने भी पढ़ा है कि भाई फर्ज नहीं है उसके ऊपर घर के काम, ये झाड़ू पोछा तो ये है कि अगर औरत के लिए और अगर आपकी वाइफ आपके जो है ना वो पेरेंट्स की खिदमत कर रही है तो ये उसकी अच्छा है, ये जो है ना आप कह सकते हैं उसके पॉजिटिव और नेकियों में लिखी जाएगी। लेकिन आप अपनी औरत आप मजबूर नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम हमारी जैसे मर्द को इस्लाम से 5वीं शादी 4 शादी की इजाजत है, इसी तरह औरत को है ना ये वाली चीज बड़ नजर आती है कि सास ससुर की खिदमत जो है ना वो मुझ पे। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मैं एज अ जर्नलिस्ट देखती हूँ कि जो खवातीन या मर्द जो भी सहाफत में आ गए वो चिराग तले अंधेरा वाला मामला है उनके साथ। मसलन जब वो सहाफत में आ गए, जैसे पुलिटजर का जो फोटोग्राफी का जो प्राइज़ है उस बंदे को जिसको मिला था वे बैक इन 2002 और 2003, जिसने उस एक गिद एक सोमालिया के बच्चे पे बैठा हुआ है कि कब वो मरे, तो ये एक डिबेट शुरू हुई थी अखलाकियात की कि क्या उसको उस वक्त तस्वीर लेनी चाहिए थी या उस वक्त बच्चे को, क्योंकि वो तस्वीर पुलित्ज़र इनाम ली हुई जो दुनिया का बेहतरीन इनाम होता है फोटोग्राफी, वो तस्वीर लेनी चाहिए थी या उस बच्चे को बचाना चाहिए था, ये डिबेट अब भी चल रही है। और हम जब सहाफत में आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा काम तो सिर्फ इंसानियत से अबव है, हमारा काम तो बस सनसनी फैलाना है, आप ह्यूमन बीइंग तो हो, अपने आप को ह्यूमन बीइंग के उस पर तो रखो। तो औरत को भी ना बस इस्लाम उसी जगह नजर आता है कि देवर भार या ससुराल की खिदमत उस पर नहीं है। असल में हमने दीन को भी तो मेरा हमने दीन को भी अपने जो है ना वो पॉइंट्स के लिए रखा है कि जहां हमें हमारा फायदा जहां मां-बाप एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उसके मां-बाप की खिदमत करे, लेकिन जब अपने आपने वही मेरी बात कह दी, एक प्रोग्राम मैंने किया था उसके इस मुतल्लिक तो काफी इश्यूज भी उस पर डिस्कस हुए थे और मुझे वही प्रोग्राम हमारा याद आ गया, उसमें
मैंने ये कहा था, देखिए लड़की यहाँ गलती लड़की की भी है. देखिए हमने कुछ देर पहले ही ये बात हमारी भी दरमियान हुई कि बेटी संभाल लेती है जो है ना, वो बहू नहीं संभालती. लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती. मैं क्यों नहीं मानती, क्योंकि एक घर में अगर एक औरत अपने बेटे को भी बिहा रही है और बेटी को भी बिहा रही है, वो घर में बहू ला रही है और बेटी रुखसत होके जा रही है. अगर बेटी वापस आकर अपने दामाद को, मतलब उनके दामाद को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर अपनी माँ की खिदमत के लिए आए, ज़ाहिर पैसे कौन खर्च कर रहा है, उसका हस्बैंड खर्च कर रहा है, वो अपने हस्बैंड के खर्चे पर अपनी माँ को फीड कर रही है, ख्याल रख रही है, तो वो एक अच्छी बेटी है. लेकिन अगर बहू जाकर आपके बेटे को ले जाकर अपनी माँ को फीड कर रही है, तो वो एक अच्छी बहू नहीं है, तो वो भी तो एक अच्छी बेटी है. वो भी तो एक अच्छी बेटी बन के अपनी माँ की खिदमत कर रही है. जितनी मेरी यंग फ्रेंड्स है ना, वो सब डिप्रेशन में है, क्योंकि आई स्टिल कंसीडर माई सेल्फ स्वीट 16. खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है. मैं जब भी उनके पास बैठती हूँ, सेम आपकी बात, मुझे डिप्रेशन होने लग जाती है. द पॉइंट, क्योंकि हम लोग वर्किंग वुमेन है, हमारे पास शायद सास बहू के बारे में इतना डिस्कस करने का टाइम नहीं है. हाँ, लेकिन हम हर कोई मेड पे जरूर रुल रहा होता है, मासी नहीं है टाइम पे, उस पे सब रुल रहे होते हैं. तो मैं इतना डिप्रेस हो जाती हूँ उनको सुन के. मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ, इवन अगर वो मुझे अभी देख रहे हैं, यार सोल्यूशन ढूंढो. देखो ये कुछ सोसाइटल टैबूज हैं, ये नहीं खत्म होंगी, ठीक है. एक चीज आप पे लागू कर दी गई है, आप पे फर्ज कर दी गई है, आपको घर से बाहर है. नाउ यू आर अ हाउसवाइफ, कम अप विद समथिंग फ्रीलांस. कोई घर में बैठ के एक्टिविटी करो. घर में लोगों ने मेकअप पार्लर्स, ब्यूटी पार्लर्स खोले हुए हैं. ऑनलाइन शॉपिंग है. ऑनलाइन शॉपिंग से मुझे याद आया, आई एम ऑल्सो रनिंग कल्चर ऑनलाइन के नाम से. तो माशाल्लाह, दैट इज़ अ साइड लाइन, बट आई फील सो प्राउड कि अपने कल्चर के जो बलूचिस्तान के ट्रेडिशनल स्टफ है, मैं उन्हें घर बैठ के पूरी दुनिया में सेल आउट कर रही हूँ. तो दैट्स अ ओनर फॉर मी. तो आप घर में रह के भी अपने आप को बिजी कर सकते हो, ताकि आप ये जो मेड और सास बहू नन देवरानी इन चीज़ों से बाहर आए. बिल्कुल, ये सोचने की बात है ना, वही एक पॉइंट है. मैं तो कहती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना चेंज करें, आप अपनी सोच बदलें, और आपको दुनिया तब्दील होते हुए खुद को दिखाएं. सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमने देखा है. अभी आया था, अब एक साल हुआ या डेढ़ साल, एक सर्वे आया था जिसमें पाकिस्तान गमगीन कॉमों में से शायद 90 नंबर पे था या 6 नंबर पे. आई वाज सो सरप्राइज्ड यार, क्या हम इतने गमगीन रहते हैं. एक्चुअली हमें ना सेल्फ पिटी की आदत हो गई है. विक्टिमाइज्ड रहने के बड़े आदी हो गए. अगर आप यहाँ पे एंकर हैं, तो आप अपने बॉस से भी प्रॉब्लम है, अपने ओनर से भी प्रॉब्लम है, घर में है, अगर आप घर में हैं तो आपको अपने ट्रीटमेंट से भी प्रॉब्लम है. प्लीज जस्ट try to find some solution to your problems, and at the same time वो महबू जो अब बादशाह था, उसने आयाज से पूछा था कि कोई मुझे मजे की बात बताओ. तो उसने इसकी अंगूठी पे लिखवा के दिया था, ये वक्त भी गुजर जाएगा. क्या बात है. तो वो तमाम लोग जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सरिये आए हुए हैं ना उनकी गर्दनों में, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा. और जो आज अपने आप को समझ रहे हैं यार हमें इतना नहीं मिला जितना, उनके लिए भी ये वक्त भी गुजर जाएगा. किसके लिए रहा है. एक और मैम आपकी इजाजत हो तो एक चीज ऐड करूं कि हमें वाकई में, मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, उसमें माशाल्लाह इंटरनेशनली काफ़ी लोग आए हुए थे. तो वो कहते थे कि एक साइकी है ये इंसान की, कि जब तक वो अफसरदा ना हो पूरे दिन में एक टाइम, तो उसे सुकून नहीं आता, उसे लगता है लाइफ में सब कुछ बड़ा पीस है, तो वो बिला वजह बैठ के ना टेंशन लेना शुरू कर देता है. बिल्कुल हदीर, इसमें मैं ऐड जरूर करना चाहूंगी, वैसे ही नहीं दीन में भी हमारे है कि कुरान पाक में भी है कि मतलब इंसान ना शुक्रा है. बेशक इंसान ना शुक्रा है, उसे पता है उसे हिर्स होती है. अगर मुझे ये ग्लास चाहिए, मैं ग्लास उठाऊंगी, मुझे मग की टेंशन होगी. मग चाहिए तो फिर मुझे किसी और चीज की टेंशन होगी. एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इफ यू कांट बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, देन डोंट बी अ प्रॉब्लम क्रिएटर. हमारा मसला ये कि हम पूरा दिन बैठ के उस एक मसले को, एक अच्छी सी मैंने वीडियो देखी, वो भी आपसे शेयर करती हूँ. उसमें वो मेंटोर बता रहा है, सॉरी पब्लिक स्पीकर है जो भी था, वो बता रहा है कि उसने कहा कि देखें, एक सपोज एक कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये ग्लास है दो, इसको आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करोगे दर्द होगा, दर्द नहीं होगा. फिर और ज़्यादा होल्ड करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रेशर फील होता जाएगा, हाथ जो यहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आता जाएगा. फिर अगर आप थोड़ी देर और होल्ड करोगे तो हाथ बिल्कुल नीचे चला जाएगा और आपको पेन शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स मीन कि अगर आप प्रॉब्लम को यहाँ पे रखोगे तो फिर पूरा दिन एंजॉय द पेन.
फील गुड एग्जैक्टली हदील. और हमारे प्रोग्राम का टाइम भी तकरीबन खत्म कह रही हूँ 30 मिनट कम है वाकई के लिए बात करने के लिए 30 मिनट वैसे भी कहते हैं जहाँ खवातीन बैठी हो तो वहाँ बातें नहीं खत्म होती टाइम जरूर खत्म हो जाता है. तो बहुत शुक्रिया हमारा मैम आपका कि आप आई हमारे प्रोग्राम में हमें टाइम दिया. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस इन कायनात. यू आर अ वंडरफुल एंकर एंड एट द सेम टाइम यू आर अ वुमन ऑफ सब्सटेंस. बचती भी खाली औरत नहीं है माशाल्लाह. आपके अंदर है सोच है एहसास है और आज के दौर में सबसे बड़ी चीज एहसास है. आप जैसी जो गेस्ट आती हैं हमारे पास मैं सब तकरीबन उनसे ही सीख रही होती हूं. आई जस्ट वांट टू से आई एम प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. एंड आई जस्ट वांट टू से कि हम फोर्थ को क्वेटा आ रहे हैं तो प्लीज कम एंड जॉइन आवर प्लेटफॉर्म. आई वांट टेक द नेम एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी. एंड आई जस्ट वांट टू से कि यार एजुकेशन इंशाल्लाह जरूर. थैंक यू सो मच हदील आपने आई हमें बहुत अच्छा लगा. एंड स्पेशली थैंंक्स टू माई व्यूवर्स एक्चुअली कुलेराज शमे हूँ मिन्नत अगर अच्छा के शमे वाहत में से सकबाज अर्जिश दारी के शमे मेहर दोस्ती शम वाहत कशिता मैं मरागिश अचारिता मरागिश के हालात के सरबित्ता मना कायनात फ़कीर मोहम्मद रज़ा भी दिए और ये मरागिश हमारा छोले गए फीडबैक आलम भी दिए वो थी हयाला बिदारे अल्लाह मयारे.